हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने मोबाइल में से ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में NSDL टाइप करना होगा। उसके बाद ये पहली वाली लिंक ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन NSDL पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद नए पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49A लिखा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। कैटेगरी इंडिविजुअल, उसके बाद टाइटल आपका है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपकी सरनेम, आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका मिडल नेम दे दीजिए। आपको यहाँ पे नेम वैसे ही टाइप करना है जैसे कि आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका फोन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वो डाल दीजिए। और सब लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको देखेगा कि वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ NSDL ई गवर्नमेंट। आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है और यहाँ पे आपका टोकन नंबर भी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC। उसके बाद यहाँ पे वेदर फिजिकली पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड पे यस टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने आधार कार्ड के पिछले 4 अंक टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे यस टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कीजिए श्री अगर आप मेल है, टाइटल श्रीमती सिलेक्ट कीजिए अगर आप फीमेल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपकी सरनेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मिडिल नेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका जो पैन कार्ड आएगा उस पर आपका नेम कैसे तरह दिखेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी बर्थ डेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर की सरनेम टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का फर्स्ट नेम डालिए। उसके बाद यहाँ पे मिडल नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अगर आपको आपकी माता का नाम भी टाइप करना है तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे टिक कीजिए। मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी इनकम कोई नहीं है इसलिए मैं नो इनकम पे टिक किया है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वही यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस डालना होगा तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडीज की डिटेल्स मांग रहे हैं तो यहाँ पे कंट्री कोड हमारी कंट्री इंडिया टाइप कीजिए। यहाँ पे 91 इंडिया कोड आ गया है। उसके बाद आप एरिया STD कोड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर आ गया, आपका ईमेल आईडी जो डाला था वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर की डिटेल्स पूछ रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन क्लिक करना है। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपके एरिया का जो भी AO कोड हो गए वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसकी आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ पूरा, तो इसमें से आप अपना जो भी है वर्ड वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सब ऑटो सिलेक्टेड है
इसलिए आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आ जाइए, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और हर सेल्फ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस डालनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो कोई आपकी एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अपने आधार कार्ड के पहले 8 डिजिट टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सिर्फ वेरीफाई करनी है कि अगर आपने कोई गलत डिटेल डाली है तो पीछे जाके उसको आप ठीक कर सकते हैं। यह आप पूरा चेक कर लीजिए सब बराबर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पैन कार्ड ऑलरेडी बन चुका है इसलिए मैं पेमेंट के पेज पे नहीं गया हूँ। आप वो पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद 15 या 20 दिन में आपके घर पे ही पैन कार्ड पोस्ट हो जाएगा। थैंक यू।